Despite the government taking a firm stand and defying Ajit Singh, his question leaders like Shahnawaz Hussain, Yashwant Sinha and others in the 2004 cabinet accusing them of not vacating their houses as well. Singh even daring the district administration by visiting two MLAs who are in the hospital after yesterday's clash at Ghaziabad. As outrage grows over Ajit Singh's defiance, former minister and RLD chief starts shifting some of his belongings from the house. But is it not time for the drama as well to end? Sir, ek reaction chahiye aapka. Sir, aapne abhi bhi ye kaha hai ki ये घर जो है मेमोरियल कन्वर्ट होना चाहिए सर, लेकिन सरकार कह रही है द गवर्नमेंट हैज मेड इट वेरी वेरी क्लियर दैट इट कांट बी कन्वर्टेड इनटू अ मेमोरियल, इट्स अ पर्टिकुलर रूल, इट्स अ गाइडलाइन. टेल मी व्हिच रूल एंड व्हिच गाइडलाइन. टेल मी सर, द रूल इन 2000 द गवर्नमेंट हैज मेड इट क्लियर दैट आउट ऑफ दैट ऑफ द गवर्नमेंट अकोमोडेशन दे कांट बी कन्वर्टेड इनटू अ मेमोरियल. यू ऑल्सो सेड दैट आफ्टर 2000 जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं पहले जी, क्या नाम, आफ्टर 2000 बताइए. नहीं, प्रधानमंत्री पहले थे लाल बहादुर शास्त्री. आफ्टर 2000 हिज मेमोरियल वाज मेड. ओके, देन काशीराम. सो यू आर सेइंग लिसन एंड देन जगजीवन राम ओनली 6 months अगो. सर, बट नरसिम्हा राव द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आल्सो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर नॉट आस्किंग फॉर अ मेमोरियल. दे हैव नॉट आस्क्ड. दैट्स नॉट द इशू, दैट्स नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज व्हाट यू सेड वाज दैट देयर आर रूल्स दैट आफ्टर 2000 यू कैन नॉट डू इट. Then the governments have flawed. So, but then that is something that the government was also there after 2000. So it has happened in 3 cases. But sir, that is something that you should take up instead of insisting for a memorial. That is an argument that you should. What the argument? We are asking for it. It has been done before. That's the argument. So you are saying you will move out because your personal belongings are going away. So you are saying that you will move out, but the demand for a memorial in this house remains. Yes. Yes. Sir, but you know, you shouldn't you take this up with the government instead because other prime ministers haven't done it, sir. So when they came on 9th, I informed them that I have signed a lease and we have sent some stuff also. But now it's Pitrupaksh, so as soon as it's over, about 2 weeks or so, I'll move on that day. Memories, the feelings of lakhs of farmers are attached to this house. Okay. Because my father lived here. क्या शाहनवाज का खाली कर रहे हैं? क्या यशवंत सिन्हा खाली कर रहे हैं? और अगर आप और पीछे जाइए, ये जो मंत्री जी हैं और इनके जो मंत्री साथीगण जो 2004 में मंत्री नहीं रहे थे, दे स्टिल लिव्ड फॉर 10 इयर्स इन द हाउस दे वर नॉट एंटाइटल्ड टू. नाउ जस्ट बिकमिंग अ ह्यूज पॉलिटिकल टूल दैट इज बीइंग यूज्ड टू रीच आउट टू वोटर्स इन हरियाणा. इन फैक्ट ही इज कंटिन्यूइंग टू रिमेन डिफाइंट. ही कीप्स चेंजिंग हिज स्टैंड एंड एक्सक्यूज ओवर नॉट लीविंग दिस बंगलो. हियर आउट अ लॉन्गर एक्सर्प्ट वेयर वी आस्क्ड हिम अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड अजीत सिंह स्टिल बीइंग डिफाइंट. Joining me now is RLD Chief Ajit Singh Ji. Sir, thank you for speaking with Times Now. Sir, a lot of violence took place yesterday and your workers are being accused. How do you justify the violence and the effort to stop water supply in Delhi, sir? ये पहली बात तो ये कि सरकार को, केंद्र सरकार को अच्छी तरह पता था, प्रदेश सरकार को भी पता था कि 18 तारीख को यहाँ पे चौहान साहब की स्मृति चिन्ह बनाने की मांग को लेकर आंदोलन होने वाला है. बल्कि उन्होंने तो ये भी अनाउंस कर दिया था कि पानी और बिजली रोकेंगे वो. क्या केंद्र सरकार को बात नहीं करनी चाहिए थी? आप अगर रहें, मैं नहीं जानता कितने दिनों आपके इसमें है जर्नलिज्म में, 10-15-20 साल पहले जब टिकैत में आंदोलन किए किसान, तब हमेशा सरकार ने बात की और हमेशा शांतिपूर्वक ढंग से ज़्यादातर वो सुलझ गए. इस बार सरकार को अच्छी तरह पता था कि क्या मांग है, क्या समस्या है, फिर भी उन्होंने कोई कदम, बात करने में क्या ऐतराज है? प्रजातंत्र में बात से चीज़ें तय होती हैं. Sir, but the fact is that in 2000, the Union Cabinet had banned the conversion of bungalows into memorials. Despite that, do you think the demand is justified, sir? And then Lal. And you were the minister then. Yes, and Lal. No, I wasn't a minister in 2000. Anyway, Lal Bahadur Shastri ji ka memorial hai. Unke makan mein jisme wo rehte the. Babu Jagjivan Ram ka to abhi hua hai. 3-4-5-6 months pehle, jis makan mein rehte the, smriti bani hai. Kanshiram ji ka hua hai. To phir iska kya matlab hai kehne ka? So do you think there are double standards by the government in that case? Yeah. उसमें क्या, आप मेरे ही केस में देख लीजिए. मैं 9 तारीख को मैंने जो उनके लोग आए थे CPWD के, उनको कह दिया था कि ये चल रहा है. मैंने लीज साइन कर दी है पिछले महीने के आखिर में, नए मकान के बारे में मैं रेंट कर रहा हूँ. और ये जैसे ही पितृपक्ष खत्म होगा 24 या 25 को हम आपको इसका पजेशन दे देंगे. इसके बाद बिजली पानी काटने का क्या मतलब था? और इसके अलावा आप और देखिए कितने, क्या शाहनवाज का खाली कर रहे हैं? क्या यशवंत सिन्हा खाली कर रहे हैं?
और अगर आप और पीछे जाइए, ये जो मंत्री जी हैं और इनके जो मंत्री साथीगण जो 2004 में मंत्री नहीं रहे थे, दे स्टिल लिव्ड फॉर 10 इयर्स इन द हाउस दे वर नॉट एंटाइटल टू. आई एम नॉट एंटाइटल टू लिव इन दिस हाउस एंड आई एम लिविंग. व्हाई डिड दे लिव फॉर 10 इयर्स इन हाउसेस दे वर नॉट एंटाइटल टू? You are assuring on times now that you will be vacating the house soon, around 25-26. Told them on 9th, told them already. हम तो करीब करीब खाली हो चुका, बस पोजेशन देने में छोटी मोटी चीजें रहती हैं. जहां तक श्री अजीत सिंह जी का सवाल है, अजीत सिंह जी हमारे मित्र है. अजीत सिंह जी बीच में मेरे से मिला और उन्होंने कहा मुझे और कुछ समय चाहिए, तो समय दिया है उनको 80 दिन के बाद. पहले एक महीने का हरेक को समय देते हैं, वो समय पूरा होने के बाद और 80 दिन पूरा होने के बाद सरकार में उनके सामने और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए अधिकारियों ने एक काम किया है. ये केवल श्री अजीत सिंह जी महोदय के लिए किया नहीं. द कंट्री इज सीइंग द फार्स ऑफ मिस्टर अजीत सिंह. मिस्टर अजीत सिंह, हु इज अ फॉर्मर लॉ मेकर, शुड नॉट बिहेव इन दिस वे. He is trying to bend the rules. He is trying to hold the country to ransom. There are rules laid down for allocation on vacation of the quarters in Latian zone. There was a cabinet note in 2000 which categorically mentioned that memorials cannot be made out of government accommodation. There was a July 2013 Supreme Court notification and order which categorically speaks about the fact that memorials cannot be made in Latian zone. In spite of this, Mr. Ajit Singh is trying to hold the country and particularly the capital of this country into ransom. This is deplorable. Mr. Ajit Singh should know that if he really wants to raise the issues of farmers, then he should be seen on the ground fighting for them rather than trying to buy privileges for himself. The rule holds equally for all of them, and this notice has been served to all the members of parliament who were in an illegal way staying in the premises. Chaudhary Charan Singh desh ke purv pradhan mantri the, किसानों के नेता थे. भूमि सुधार और किसानों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी. उनके हित के लिए ग्राम विकास के बड़े काम हैं. हमें लगता है कि अगर उनकी मेमोरियल की बात उठती है तो देश के आने वाली पीढ़ी को जो नेताओं की धरोहर है या नेताओं के काम है उसकी जानकारी के लिए इस तरह से अगर मेमोरियल बनाने की बात होती तो हमें लगता है कि लोगों ने उसका स्वागत करना चाहिए. समाजवादी पार्टी इस बात के पक्ष में कि चौधरी चरण सिंह जी का स्मारक बनना चाहिए, उनकी यादगार बनी रहनी चाहिए. किसानों के देश के सबसे बड़े नेता थे, देश के किसानों को बहुत कुछ दिया. राजनीति में भी उन्होंने एक इच्छा भी बनाई, एक संदेश दिया. लेकिन कुछ लोग जिस तरीके से उसकी मांग कर रहे हैं, इसे तो चौधरी साहब की गरिमा को गिरा रहे हैं. हुड़दंग करके, पानी बंद करके, जबरदस्ती कब्जा करके कभी चीजें नहीं बनती हैं. राजनीतिक ढंग से मांग करके और सम्मान के साथ चीजों को बनना चाहिए. तो जो लोग ये कर रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि सब बंद करें. समाजवादी पार्टी उनके साथ है. हम लोग भी केंद्र से मांग करें कि चौधरी साहब का स्मारक बनना चाहिए. Disrupting traffic, disrupting power, disrupting water, I think it's not just unfair, I think it's patently wrong. And I think government agencies must take cognizance of this and take very, very severe action. See, a government facility is not mine by right. It's only mine till I occupy a particular position. Once that position is not there, as I said, if rules permit you for a while, or perhaps the government can be kind enough to permit you if there are certain, extraordinary, which could be. I mean, I remember him saying somewhere that Shraddh ka samay hai. So maybe if it's an extraordinary circumstances, you can request the government. You can't demand it as a right. And any such protest, see, ultimately leads to distorting of the way in which people think about public utilities or public services or government assets and government.